बीते कुछ सालों में तालिबान में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लड़ाके शामिल हुए हैं। अब इन लड़ाकों को मैदाने जंग में तब्दील हुए अफगानिस्तान में भारत की बनाई हुई संपत्तियों को टारगेट करने के लिए कहा गया है। ये निर्देश इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दिया है। दरअसल भारत सरकार ने पिछले दो दशकों से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की कोशिश में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। डेलाराम और जरांज सलमा बांध के बीच 218 किलोमीटर की सड़क और अफगानिस्तान का संसद भवन, जिसका उद्घाटन 2015 में किया गया था, अफगान लोगों के लिए भारतीय योगदान की सबसे बड़ी निशानी है। खबर है कि अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ तालिबान के हमले का खुलकर समर्थन करने के लिए 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। इन पाकिस्तानी और तालिबान लड़ाकों को खास हिदायत के साथ भारत की बनाई हुई संपत्तियों को टारगेट करने और वहां भारतीय सद्भावना के किसी भी संकेत को मिटाने के लिए भेजा गया है। अफगानिस्तान की निगरानी करने वाले सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को ये जानकारी दी है। भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। भारत ने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की ट्रेनिंग में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। हक्कानी नेटवर्क समेत पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह वहां भारत के खिलाफ सालों से साजिश रच रहे हैं। अब काबुल में भारत को अपनी मौजूदगी बनाए रखने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, कट्टरपंथी समूह की तरफ से इसे लेकर भी कोई संकेत नहीं दिया गया है। भारतीय एजेंसियां काबुल हवाई अड्डे पर भी हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं, जो अब बहुत लंबे समय तक अमेरिकी सुरक्षा में नहीं रहने वाला है। बगराम हवाई अड्डे समेत अमेरिकियों के अधीन कई हवाई इलाके तालिबान के साथ चल रहे सत्ता संघर्ष की वजह से खाली कर दिए गए हैं। सिविल वर्क में लगे भारतीय कामगारों को भी बाहर जाने को कहा गया है। भारत ने हाल ही में काबुल शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए शाहतूत बांध समेत लगभग 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कामों की घोषणा की थी। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।